हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आई स्टूडेंट प्लस। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत हम सभी यूपीपीसीएस प्री में हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिविजन कर रहे हैं। इसी क्रम में ये हमारी आज की वीडियो है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो कि प्राग ऐतिहासिक काल से लिया गया है। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है। आपको बताना है, जो मध्य पाषाण युग था उस टाइम पे पशुपालन के साक्ष्य मिले थे, वो कहाँ से मिले थे। ऑप्शंस दिया आपके, ऑप्शन है लंगनाज, मिर्भापुर, आदमगढ़ या फिर चोपनी मांडो। कहाँ से मिले हैं, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर बताइए इसका, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। आदमगढ़, जो कि पड़ता है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख है वह है। आपके ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए कृष्ण यजुर्वेद, बी शुक्ल यजुर्वेद, सी शतपथ ब्राह्मण या फिर पंचविश ब्राह्मण। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, सनातन धर्म में वेदों को ज्ञान का स्रोत माना जाता है। कुल चार वेद हैं, कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। चार वेद हैं और इन वेदों के चार उपवेद हैं, और शास्त्रों में सभी वेदों के एक या एक से ज़्यादा ब्राह्मण ग्रंथ भी पाए जाते हैं। तो जो यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। क्या? शतपथ ब्राह्मण। इसी में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है। जैसे पुराणों में अश्वमेघ यज्ञ का उल्लेख मिलता है, वैसे ही जो शतपथ ब्राह्मण है, ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण, इसमें पुरुष मेघ का उल्लेख किया गया है। पुरुष मेघ में पुरुषों की बलि दी जाती थी, इसमें ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वर्ग के लोग आते थे, राइट। अब जान लेते हैं वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ। तो हमने अभी देखा यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, यह शतपथ ब्राह्मण। वैसे जो ये पंचविश ब्राह्मण है, पंचविश ब्राह्मण किसका है, ये अथर्ववेद का है। और अगर ऋग्वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद के दो ब्राह्मण मिलते हैं, कौन से, पहला है ऐतरेय और दूसरा है कौसितकी। ये ब्राह्मण ग्रंथ है किसके, ऋग्वेद के, जो कि सबसे पुराना वेद है। इसके अलावा एक बचा कौन सा, सामवेद। तो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, उसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। क्या? गोपथ ब्राह्मण। ये सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, राइट। एनीवेज, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टू का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शतपथ ब्राह्मण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है, आपको बताना है। जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन सा एक स्थल है जो भगवान बुद्ध के जीवन घटना से संबंधित नहीं है। ऑप्शन लिख लीजिए, सारनाथ, सांची, बोधगया और कुशीनारा, बताइए कौन सा नहीं है। तो देखिए, तो जो सारनाथ था, यहीं पे सबसे पहले भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया था, तो ये तो संबंधित है भगवान बुद्ध के जीवन काल से। बोधगया में ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यहीं से बुद्ध कहलाया। नेक्स्ट क्या है, कुशीनारा। तो ये कुशीनारा है जो वर्तमान में कुशीनगर के नाम से जाना जाता है, यहीं पे भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यानी कि यहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये ए सी और डी, ये तीनों संबंधित है, लेकिन सांची में हालांकि बौद्ध धर्म से रिलेटेड स्तूप्स हैं, लेकिन ये बुद्ध के जीवन की किसी घटना से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करती है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं, बताइए। ऑप्शंस क्या है, बौद्ध,
जैन, शैव या वैष्णव। तो प्रभासगिरी किससे संबंधित है, किस धर्म से? तो प्रभासगिरी का संबंध जैन धर्म से है। किससे? ऑप्शन नंबर बी। जो प्रभासगिरी है ये यूपी के कौशाम्बी जिले में स्थित है और यह एक जैन तीर्थस्थल है। क्यों? क्योंकि कौशाम्बी का जो प्रभासगिरी जगह है, यहीं पे जो जैन धर्म के छठे नंबर के तीर्थांकर हुए थे, क्या नाम था उनका? पद्म प्रभु, पद्म, यहीं पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे? प्रभासगिरी में। तो ये किससे संबंधित हो गया? जैन धर्म से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर फाइव है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ऑप्शन देखिए, सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर या फिर देवीपाटन। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए एक पवित्र स्थल माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। तो अभी हमने देखा जो प्रभासगिरी है कहाँ पे स्थित है? कौशाम्बी। यहाँ पे छठे तीर्थांकर पद्म प्रभु को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा बौद्ध धर्म के भी बहुत सारे साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है? वह स्थल जहाँ प्राक अशुभ ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, बताइए कहाँ पे? ऑप्शन ए है नागार्जुनी कोंडा, बी अनुराधापुर, ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी या फिर ऑप्शन डी मास्की। उस स्थान का नाम बताना है जहाँ पे प्राचीन अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुराधापुर। जो अनुराधापुर है ये कहाँ पे है? ये वर्तमान में श्रीलंका में पड़ता है, श्रीलंका में। इसके अलावा कुछ और भी स्थल हैं जहाँ पे प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, जैसे पिपराहवा, शोहगौरा और महास्थान, राइट? तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है? निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया, वह कौन था? वह कौन ऐसा शासक था चोल वंश का जिसके समय में बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील कहा जाता था? ऑप्शन देखिए, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अधिराज या फिर कुलोत्तुंग, बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवन का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो चोल वंश का प्रतापी राजा राजेंद्र प्रथम था, इस शासनकाल में बंगाल की खाड़ी चोल वंश की झील कही जाती थी और राजेंद्र प्रथम को गंगैकोंड की उपाधि प्राप्त हुई थी। क्या? गंगैकोंड, ये उपाधि किसको प्राप्त थी? राजेंद्र प्रथम को, और इसी ने अपनी एक नई राजधानी बसाई थी, नाम क्या था? गंगैकोंड चोलपुरम, राइट? इसके अलावा अगर पूछे तो चोल वंश की राजधानी क्या थी, आरंभिक राजधानी, शुरुआत में राजधानी थी उरैयूर। क्या? उरैयूर ये चोलों की राजधानी हुआ करती थी। प्लस चोल वंश का संस्थापक राजा कौन था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चोल वंश की स्थापना किसने की थी? तो स्थापना की थी विजयालय नामक शासक ने, विजयालय इसने की थी चोल वंश की स्थापना। इसके अलावा एक प्रसिद्ध मंदिर है, कौन सा? बृहदेश्वर मंदिर। क्या नाम है? बृहदेश्वर मंदिर। ये कहाँ पे पड़ता है? इसका निर्माण किसने कराया था, इस मंदिर का निर्माण कराया था राजराज प्रथम ने, जो चोल वंश का ही राजा था। इसने श्रीलंका और मालदीव को भी जीता था, राइट? तो ये हो गया। एनीवे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर एट क्या है? क्वेश्चन नंबर एट है, जिसके शासन काल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी, वह कौन था? आपको बताना है किसके शासन काल में सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी, बताइए। ऑप्शन ए है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी हुमायूं या फिर ऑप्शन डी अकबर, बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
सिकंदर लोधी। तो देखिए गुरु नानक साहब का टाइम पीरियड क्या था, 1469 ईस्वी से लगाए 1538, 1469 में इनका जन्म हुआ था पंजाब के तलवंडी नामक जगह पे ननकाना साहब गांव में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1538 में। और जो ऑप्शन बी है सिकंदर लोधी, और इसका शासनकाल था 1489 से 1517 के बीच। तो इन्हीं के शासनकाल में जो गुरु नानक जी थे उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। ऑप्शन इसका बी सही है, ऑप्शन बी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन क्या, 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। आपको बताना है 13वीं और 14वीं शताब्दियों में किस चीज़ की खेती नहीं की जाती थी। ऑप्शन ए है गेहूं की, ऑप्शन बी जौ की, ऑप्शन सी चना की, और ऑप्शन डी मक्का की। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, तो देखिए जो गेहूं और जौ है इनकी खेती तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से ही की जा रही है, तो गेहूं और जौ होगा नहीं। चना की भी खेती पहले से की जा रही है, लेकिन जो ऑप्शन जो डी है मक्का, मक्का की खेती कब से शुरू हुई, मक्का को भारत में लाने का श्रेय पुर्तगालियों का है। और पुर्तगाली कब आए थे, सर्वप्रथम भारत में पुर्तगाल यात्री वास्को डी गामा आया था, कब आया था 1498 ईस्वी में। ऐसी मान्यता है कि जो भारत में मक्के का जो बीज था वो पुर्तगाली अपने साथ लेके आए थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मक्का राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर टेन क्या कह रहा है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे यानी अपनी आत्मकथा लिखी थी, किसने लिखा था। ऑप्शन ए है इल्तुतमिश ने, बलबल ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिर फिरोज शाह तुगलक ने। बताइए दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक। इसने अपनी आत्मकथा, उसका नाम क्या था, फुतुहाते फिरोजशाही, फुतुहाते फिरोजशाही, इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। यह एकमात्र दिल्ली का सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी राइट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली संतलत का अकबर भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर इलेवन क्या है, मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था। आपको बताना है मुगल शासनकाल में तांबे के सिक्कों को क्या कहते थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दाम। तो तांबे का जो कॉइन था उसको दाम कहते थे। इसके अलावा जो रुपया था इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था शेरशाह सूरी ने, जो एक चांदी का सिक्का हुआ करता था। रुपया किसने चलाया था, शेरशाह सूरी ने। और टका जो टंका है ये इल्तुतमिश का है, ये भी चांदी का हुआ करता था राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दाम। दाम एक चांदी का सिक्का था मुगल शासन काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्या है, निम्नांकित मराठा देवियों में से किसने 1700 ईस्वी से आगे सुल्तान साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व तो किया, वह कौन थी। बताइए किसने मुगल साम्राज्य के विरुद्ध मराठों का नेतृत्व किया था, कौन थी वो। तो इनका नाम था ताराबाई। इन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध मराठों का नेतृत्व किया था राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए पहला क्या है, मुंडा विरसा, बी संथाल कान्हू, सी अहोम उमधर कुंवर, डी है नायक ताना भगत, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो बिरसा मुंडा ये तो सही सभी जानते हैं झारखंड के, और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट भी है झारखंड के रांची में राइट, ये तो मैच है। संथाल कान्हू ये भी करेक्ट है, ये भी मैच हो रहा है। संथाल का विद्रोह कब हुआ था, संथाल में विद्रोह हुआ था 1855 में, और इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, कान्हू और एक और नाम था सिद्धू, दो लोगों ने। तो ये भी सही है,
ये भी मैच कर रहा है, सुमेलित है। और सी है अहोम, अहोम गोमधर कुंवर, ये भी मैच कर रहा है। जो लास्ट वाला है ऑप्शन डी, यही इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था। ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेलकॉम, ऑप्शन बी मेटकाफ, ऑप्शन सी मुनरो और ऑप्शन डी एल्फिस्टन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय जाता है तो मात्र दो व्यक्तियों को, किसको, थॉमस मुनरो, थॉमस मुनरो और जो दूसरा था, दूसरा क्या था, कैप्टन रीड, कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो। इसमें से ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी है मुनरो, थॉमस मुनरो, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, वह कौन सा क्षेत्र था जहां पे बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। ऑप्शन से अवध, बिहार, बंगाल या फिर आंध्रा। क्वेश्चन नंबर है 15, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। जो जो बाबा रामचंद्र थे ये मूल रूप से महाराष्ट्र के निवासी थे, लेकिन इनकी प्रवृत्ति थी घुमक्कड़ टाइप की, तो ये फिजी चले गए थे उस टाइम, फिजी, वहाँ से 1909 ईस्वी में वापस फैजाबाद लौटे थे, फैजाबाद जो उस टाइम अवध का हिस्सा हुआ करता था। तो वहीं पे 1920 के मध्य, कब, 1920 में इन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया और एक किसान नेता के रूप में उभरे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन 16। जिस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया वह कौन था। आपको बताना है किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया था भारत में। ऑप्शन से सर जॉन शोर ने, लॉर्ड विलियम बैटिंग ने, ऑप्शन सी लॉर्ड एलनबरो ने या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड कार्नवालिस ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। हालांकि 1833 में उदास प्रथा बैन कर दी गई थी, लेकिन इसको कानून बनाकर खत्म करने का श्रेय जाता है लॉर्ड एलनबरो को। इन्होंने 1843 ईस्वी में 43 में कानून बनाकर दास प्रथा को खत्म कर दिया जड़ से, राइट। और लॉर्ड विलियम बैटिंग, इनका योगदान सती प्रथा को खत्म करने से है। इन्होंने 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया था राजा राम मोहन राय की मदद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। वो कौन सी ऐसी जगह थी, ऑप्शंस दिए आपके सामने, जहां पे अखिल भारतीय किसान सभा का अधिवेशन हुआ था, बताइए। ऑप्शन से इलाहाबाद, कलकत्ता, लखनऊ या फिर पटना, कौन सी जगह थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। तो राष्ट्रीय स्तर पर किसानों की हितों की सुरक्षा के लिए अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, ये की गई थी 1936 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में इसका पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, इसके पहले अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद। क्या, स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष थे। और ये भी पूछता है इसके पहले महासचिव कौन थे, तो इसके पहले महासचिव थे एन जी रंगा, ये महासचिव थे। और जो स्वामी सहजानंद थे वो इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और इसके पहले अधिवेशन को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। लखनऊ में इसका पहला अधिवेशन हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई थी, जिस एक्ट से हुई थी, उसका नाम बताइए, किस एक्ट के थ्रू। ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का, ऑप्शन बी काउंसिल एक्ट 1909 का,
ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसी के तहत प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी, प्रांतों के लिए द्वैत शासन, और जो केंद्र में द्वैत शासन कब शुरू किया गया था 1935 में। और जो जो बी है काउंसिल एक्ट 1909, इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। और 1892 के एक्ट के थ्रू पहली बार भारतीयों को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था, वोट देने का अधिकार, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, सभी को नहीं, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बताइए, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब और किसने की थी। तो ये किया था रास बिहारी बोस इन्होंने, और कब किया था, इसकी स्थापना की थी इन्होंने 1928 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के नाम से, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 है, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, बताइए। ऑप्शन से, ऑप्शन ए पी मित्रा, ऑप्शन बी वारिंद्र घोष, ऑप्शन सी वी डी सावरकर, या फिर ऑप्शन डी नरेंद्र गोसाई, किसने की थी अनुशीलन समिति की स्थापना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये किया था ऑप्शन बी वारिंद्र घोष जी ने, कब 1902 ईस्वी में अपने कुछ साथियों के सहयोग से, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, निम्नांकित में वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी, बताइए। वह कौन था जिसने विदेश में एक अपनी सरकार की स्थापना कर ली थी। ऑप्शन से, ऑप्शन ए महेंद्र प्रताप, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी रास बिहारी बोस, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, किसने किया था सरकार की स्थापना। तो ए थे ऑप्शन नंबर ए महेंद्र प्रताप, नाम क्या था इनका, महेंद्र प्रताप, जो कि प्रॉपर यूपी के रहने वाले थे, और इनका वास्तविक नाम क्या था, खड़क सिंह। विश्व युद्ध प्रारंभ होने पर उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए विदेशों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न किया, और इसी क्रम में इन्होंने काबुल में, कहाँ पे, अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल में एक अपनी गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी काबुल में। तो ये तो हो गई विदेशों की बात। यदि आपसे पूछे भारत में किसने अपनी खुद की सरकार बनाई थी, तो दो जगह सरकार बनी थी आज़ादी से पहले 1942 में, कहाँ पे, एक तो था बलिया में किसने सरकार बनाई थी अपनी खुद की, वो थे चित्तू पांडे, नाम क्या था, चित्तू पांडे, बलिया का शेर इनको कहते हैं, चित्तू पांडे। और दूसरा था सतारा में, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ उसी टाइम पे खुद की सरकार घोषित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालक्रम में प्रस्तुत कीजिए। तो देखिए पहला क्या है, लखनऊ समझौता, दूसरा गांधी इरविन समझौता, पूना समझौता, और लास्ट वाला है सविनय अवज्ञा आंदोलन की अंतिम रूप से वापसी असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले क्या हुआ था, देख लीजिए, जो लखनऊ पैक्ट हुआ था, लखनऊ समझौता, ये हुआ था 1916 ईस्वी में, गांधी इरविन समझौता, ये कब हुआ था, ये 1930 की बात है, 1930। और नेक्स्ट क्या है, पूना पैक्ट, पूना समझौता, गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच, ये हुआ था 1932 में। और जो लास्ट वाला है सविनय अवज्ञा आंदोलन की अंतिम रूप से वापसी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दो बार शुरू हुआ था, एक तो 1930 में, उसके बाद जब गांधी इरविन समझौता हो गया उसके बाद ये आंदोलन स्थगित कर दिया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन इसके बाद फिर से जून में सम्मेलन हुआ था, कौन सा, सेकेंड नंबर का, राउंड टेबल मीटिंग, उसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उस कॉन्फ्रेंस से कोई फ़ायदा न होने के कारण
गांधी 1933 में भारत वापस आए थे लंदन से और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। सबसे पहले कौन सा? तो सबसे पहले 1916 का एक, उसके बाद गांधी इरविन समझौता 1930, पूना पैक्ट 1932 और ये 1933। 1, 2, 3, 4 किसमें है? 1, 2, 3, 4 ये है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है। ये एक ऐसी पार्टी थी जो जिसकी स्थापना विदेश में हुई थी। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। कहाँ पे? यूएसए के सैन फ्रांसिस्को। और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। और इनके कुछ सहयोगी भी थे लेकिन मुख्य रूप से इन्हीं की भूमिका थी, लाला हरदयाल की। तो पूछ भी यही रहा है, पूछ क्या रहा है, इसकी स्थापना किया था किसने? ऑप्शन ए लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, भगत सिंह और बरकतउल्ला। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लाला हरदयाल। इसके अलावा एक इन्होंने वीकली मैगजीन भी शुरू किया था इसी नाम से, गदर नाम की इन्होंने एक वीकली मैगजीन, साप्ताहिक पत्रिका भी चलाई थी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड मिला था? बताइए। ऑप्शन ए है अरुणा आशिफ अली, ऑप्शन बी शाहनवाज, ऑप्शन सी राशिद अली या फिर ऑप्शन डी रास बिहारी बोस। किसको मिला था 7 साल की सजा, जो कि आज़ाद हिंद फौज का एक सिपाही था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राशिद अली को, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। देखिए ट्रिकी क्वेश्चन है, ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है आगरा, बी है झांसी, ऑप्शन सी है वाराणसी या फिर ऑप्शन डी है वृंदावन। बताइए रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली क्या है, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नहीं सी, सी इसका आंसर हो जाएगा, वाराणसी यानी बनारस में इनका जन्म हुआ था और ये झांसी की रहने वाली थी। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होइएगा, इसका करेक्ट आंसर वाराणसी होगा, इनका जन्म पूछा है, राइट। और इनका युद्ध किस अंग्रेज के साथ हुआ था? इनका सामना यूरोज नामक अंग्रेज के साथ हुआ था, यूरोज, राइट। अच्छा एक क्वेश्चन आपके लिए, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26 इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? बताइए किस दिन मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने की घोषणा की थी? ऑप्शन ए है 25 अप्रैल 1920 को, 5 फरवरी 1922 को, 14 जुलाई 1942 को या फिर 23 मार्च 1943 को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 23 मार्च 1943 को। इसी तारीख को मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी, घोषित कर दिया था कि हर साल 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस मनाया जाएगा, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये था आज का सेशन, आई होप आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।